नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूँ आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से जहां ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी है। यूं कहें कि सर्दियां अब धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पर आ रही हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। वहीं जम्मू में बीती देर रात से ही आसमान पर काले बादल छा गए थे और आज दोपहर को बारिश की फुहारों से मौसम में और ठंडक आने से लोगों की कंपकंपी अब छूट गई है। इस बारिश से तापमान में काफी हद तक गिरावट आने से लोगों को आज जनजीवन भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। खास बात यह है कि शुष्क मौसम में अब आमतौर पर होने वाले बुखार और खांसी जुकाम से भी इस मौसम से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। जैसे पहाड़ी इलाकों में, श्रीनगर में एंड पत्नीटॉप भद्रवाह में बारिश का बर्फबारी हो रही है, और जम्मू में भी आज ठंडी का मौसम का करवट दिखा दी है। लोगों ने स्वेटर और जैकेट निकाल ली हैं। ठंड जबरदस्त होने वाली है और आने वाले 2-4 दिन में वो ठंड ज़्यादा होने वाली है। लोगों ने जैकेट भी निकाल ली हैं, गर्म कपड़े, छाता छूता निकाल दिया। मौसम आज बिल्कुल ठंड ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी लोग बीमार रहे हैं, बच्चे भी, काफ़ी फ्लू फैला हुआ था। अब ये मौसम, अभी पहले खुश्क मौसम था, अब जो मौसम अच्छा हो गया, जो बारिश होने की वजह से काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, इससे लोग अच्छे तर हो जाएंगे। और इससे आज देखो, आज मैं भी जाकर पहन के आया हूँ, ठंडी भी थोड़ी थोड़ी हो गई है, तो अभी थोड़ा मौसम सुहावना भी हो गया। अभी घर से निकलते हैं तो कपड़े गर्म पहन कर ही निकलते हैं, अगर नहीं तो ऐसे गर्मी थी 3-4 दिन पहले, तो गर्मी थी, अब 3-4 दिन से मौसम थोड़ा ख़राब हुआ था, तो आज बारिश हुई है, इससे थोड़ी ठंड भी हो गई है, मौसम भी अच्छा हो गया, लोग खुशहाल भी हो गए हैं। बाकी ओवरऑल मौसम ठीक है, श्रीनगर में बर्फ़ पड़ गई है, गुलमर्ग में बर्फ़ पड़ गई है, हर जगह में बर्फ़ पड़ रही है, उससे मौसम जो है और आने वाले दिनों में अच्छा ठंडा हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, अब रजाइयाँ भी लेनी शुरू हो जाएंगी, सब कुछ हो जाए, हमने भी अभी कंबल छम्बल लेने, रजाइयाँ लेनी शुरू कर दी हैं। शहर के अति व्यस्त तभी पुल से आज एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की और इस कोशिश में वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वेयरहाउस पुलिस ने राहगीरों की मदद से घटना में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसकी पहचान उसकी जेब से मिले पहचान पत्र के आधार पर दर्शन कुमार पुत्र चरणदास निवासी मीरा साहिब के रूप में की गई है। वहीं राहगीरों के अनुसार एक व्यक्ति मिनी बस से उतरकर विक्रम चौक से पैदल ही तवी पुल के फुटपाथ पर चलने लगा और अचानक से वह पुल की रेलिंग पर चढ़ गया और वहीं घटनास्थल से गुजर रहे लोग उसकी ओर दौड़े, लेकिन तब तक वह पुल से नदी में कूद गया था। वहीं राहगीरों की सूचना पर तवी पुल पर बने पुलिस ने नाके से जवान तुरंत व्यक्ति को बचाने के लिए नदी की ओर दौड़े और उसे तुरंत नदी से निकाल कर जीएमसी अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुल की ऊंचाई से कूदने के कारण उसके शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। डोडा जिले के भद्रवाह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब स्थानीय कलाकार भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं भद्रवाह के पर्यटन स्थलों के साथ साथ यहां की कला और संस्कृति से देश विदेश के लोगों को रूबरू करवाने के लिए इन कलाकारों ने अब इंटरनेट का सहारा लिया है और इसी कड़ी में स्थानीय कलाकारों द्वारा भद्रवाह की खूबसूरती को दर्शाता एक भद्रवाही गीत तैयार किया गया है, जिसका विमोचन आज DDC चेयरमैन धनंतर सिंह ने किया है और इस भद्रवाही गीत में स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। हमारे सामने ये गाना जो है, इसको जो है आज इसकी शुरुआत हुई है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और आने वाले समय में जो कलाकार इनके साथ जुड़े हैं, जो एक्टर जुड़े हैं, जो संगीतकार इनके साथ जुड़े हैं, जो बहुत अच्छी टीम है, तो ये ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में ग्लोरिया प्रोडक्शन जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और यहाँ की भद्रवाह का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए, यहाँ की जो ब्यूटीफुल सीनरी है, सीनिक स्पॉट्स हैं, उनको फिल्माया जाए और एक अच्छा अट्रैक्शन जो भद्रवाह में टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारी फिल्म यहाँ पे शूट हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी जो एक माध्यम है, इससे यहाँ पर हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी एक नया रास्ता मिलेगा और वो भी इस पर चलते हुए अपने लिए रोजगार के मौके जो हैं उनको तलाश करें।
जम्मू यूनिवर्सिटी और इसके अधीन आने वाले कॉलेजों के स्टूडेंट्स को मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक बड़ा मौका दिया गया है। वही यूनिवर्सिटी कैंपस में आज से डिस्प्ले योर टैलेंट प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है, जिसमें कि जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के कॉलेजों के स्टूडेंट्स भी विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वही डिस्प्ले योर टैलेंट का समापन 22 नवंबर को होगा और खास बात यह है कि कोविड के दौर में इस पर रोक लगा दी गई थी और अब 2 सालों के बाद इस कैंपस में फिर से कला और प्रतिभा का बेजोड़ संगम देखने को मिल रहा है। प्ले योर टैलेंट हमारे ऑफिस ऑफ डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो हम हर साल करवाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल हम नहीं करवा पाए बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस बार हमने ये, इस वक्त हमारा चल रहा है, आज इसकी इनॉग्रल था, वाइस चांसलर आए थे और ये 22 तक चलेगा। इसमें हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स फार ऑफ प्लेसेस से, जैसे भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, रजौरी, मिंडर, इन इलाकों के स्टूडेंट्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो अपनी जो टैलेंट है उनका, कोई गाने का, कोई लिखने का, पेंटिंग का, रंगोली, ये डिस्प्ले करेंगे इस पीरियड के दौरान। और इसका वैलिडिक्ट्री फंक्शन जो है जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में 22 नवंबर को होगा। इसके अलावा हमारे कुछ, जैसे सोशल साइंसेज ब्लॉक है, वहाँ पे भी हमारे कुछ वेन्यू हैं जहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स जैसे रंगोली, पेंटिंग, इस तरह के जो हैं वो हम करवाएंगे। मंगलवार शाम को डोडा से किश्तवाड़ की तरफ जा रही कार हादसे में लापता 4 युवकों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। ये कार डोडा के प्रेम नगर इलाके में हादसे का शिकार हो गई थी और इसमें सवार 4 युवकों की तलाश देर शाम से ही शुरू कर दी गई थी। वहीं अंधेरा घिरने पर बंद हुआ ये अभियान आज सुबह दोबारा शुरू कर दिया गया, लेकिन बचाव दल को अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं शाम करीब 7:30 बजे जब ये कार प्रेमनगर के शिवलोद गांव के पास पहुंची थी तो चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन पहाड़ी से नीचे खाई में होते हुए चिनाब में जा गिरी। वहीं लापता युवकों की पहचान रोहन मंगोत्रा, आदित्य कोतवाल, सुरजीत सिंह और विशाल चंदेल के रूप में की गई है। इस वक्त हम ठीक प्रेमनगर के शिवनोद इलाके में मौजूद हैं और जिस तरह से कल से ही हम अपडेट आपको कर रहे हैं, कल रात से ही जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था एक स्विफ्ट गाड़ी का, जो हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 4 लोग सवार थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, जिसमें खुद SSP डोडा और डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए हैं SDM, इनसे भी बातचीत करेंगे, पहले आपको स्पॉट की जगह दिखाएंगे। ये यहाँ पे गाड़ी पहुँची है, हादसा तो पीछे हुआ है मगर गाड़ी यहाँ तक पहुँची है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है चिनाब रेस्क्यू की टीम या अलग अलग जो यहाँ पे NGOs काम कर रही हैं, इस वक्त आर्मी के जवान मौजूद हैं, पुलिस के जवान, SSP डोडा खुद वहाँ पे मौजूद हैं। सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से कल ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, कितने लोग इसमें सवार थे और गाड़ी कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही थी? देखिए वसीम, पहले तो गुलिस्तान TV का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये कल शाम को कोई 7:15 के आसपास एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 4 लोग सवार थे, सारे डोडा के ही थे, लोकल आसपास के, घर वालों के हिसाब से वो डोडा में ही थे, लेकिन बच्चे कहीं घूमने निकले हुए हैं बगैर फैमिली के पता हुए, तो वो यहाँ घूम रहे थे और टूवर्ड्स प्रेमनगर जा रहे थे, तो यहाँ उनका जो है एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद रात से कोई कोशिशें थी, यहाँ 3 बजे तक रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, अंधेरी की वजह से कुछ हो नहीं पाया। सुबह 6 बजे वर्दी DG साहब, SSP साहब थे, दरिया के पार भी गए थे, तो DG साहब अभी भी मौके पर रेस्क्यू कर रहे हैं। इन बच्चों की उम्र कितनी थी? ये 22 साल के थे सारे, 1999 और 2000 का डेट ऑफ बर्थ था इनका, चारों का क्लासमेट्स थे ये। को भी था सुबह 6:30 बजे से भी, जैसा आप दिखा भी रहे हो, 2 राफ्ट्स भी लॉन्च की है JK एडवेंचर, एक्सट्रीम एडवेंचर की SDRF की टीम है, चिनाब रेस्क्यूअर्स की टीम है, और जो है अभी गाड़ी दरिया में ट्रेस हो चुकी है, उसको हुकअप करके आर्मी की कैन के थ्रू ऊपर लाया जा रहा है। पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का विरोध कर रहे गुजर बकरवालों के कुछ संगठनों ने सरकार को ऐसा कोई भी कदम ना उठाने के प्रति चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल को कोऑर्डिनेशन कमेटी ने चेतावनी दी है कि संसद में अगर ऐसे किसी भी फैसले पर मोहर लगाई गई तो इसके नतीजे सही नहीं होंगे। वहीं कमेटी के संयोजक अनवर चौधरी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चेतावनी दी की और बताया कि इस मामले को लेकर दिल्ली तक जल्द ही एक पद यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा।
कि आप जानते हैं एक कॉन्स्पिरेसी एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब देने की बात की जा रही है और एक कमीशन से भी गलत इन्होंने एक रिपोर्ट हासिल कर ली है जो कि एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। हम उसको भी चैलेंज करते हैं और अदालत के अंदर भी उसे चैलेंज करेंगे और आप जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने आगे रिकमेंडेशन की है या ट्राइबल मिनिस्ट्री ने उसको भी हम कंडेम करते हैं और हम यही गुजारिश करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म का कोई भी बिल ना लाया जाए, ना पास किया जाए और ना ही इस सिलसिले में कोई ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, वरना आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे एहतजाज होगा जैसे आज हो रहा है। तमाम लोगों ने काली पट्टियाँ बांध के एहतजाज कर रहे हैं। उधर कपवारा से जम्मू की तरफ एक पदयात्रा आ रही है गुजर बकरवालों की, वो यहाँ से दिल्ली चली जाएगी। पहले लखनपुर पे रुकने का प्रोग्राम था लेकिन अब जैसा कि दिल्ली और दूसरे रियासतों के लोगों ने कहा है गुजर बकरवालों ने कि आप दिल्ली आ जाइए, पार्लियामेंट के सामने हम धरना देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई थी। कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहे आरक्षित वर्ग के सरकारी मुलाजमों ने आज लगातार 162वें दिन भी जम्मू में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। वहीं ट्रांसफर पॉलिसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इन मुलाजमों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा वादा किए जाने के बावजूद वो अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाए हैं। अगर सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, सीरियस है हमारे लिए, तो हमें लगता है कि सैलरी तो जो हमारी थी विदहेल्ड वो रिलीज करवाते ताकि हमारे अंदर भी एक विश्वास पैदा होता। देखिए सर, जो एक मुलाजम होता है वो अपनी सैलरी के ऊपर निर्भर करता है। विदाउट एकोमोडेशन, विदाउट गवर्नमेंट एकोमोडेशन फार फ्लंग एरियाज में जाके ड्यूटी दी हमने कभी, अगर 15 साल तक हमने फार फ्लंग एरियाज में ड्यूटी दी जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, तो हम कभी हमने ये नहीं कहा कि हमें यहाँ वापस आना है या यहाँ धरने पे नहीं बैठे। लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि आज कैसी परिस्थिति है वहाँ पर? सरकार को ये समझना होगा कि कैसे हालात हैं। जम्मू जिले के ब्लॉक मढ़ के गांव डुब के लोगों ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों की माने तो यहां से बह रही तवी नदी में जब कभी बाढ़ आती है तो सारा पानी उनके गांव में पहुंच जाता है और इस समस्या के हल करने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग से भी संपर्क किया गया है लेकिन उनकी समस्या का कोई निपटारा नहीं हुआ है। इन लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन से जल्द इस समस्या को हल करने की गुहार लगाई है। जनाब, ये तभी का पानी जब भी बाढ़ आती है ना, ये सारा पानी हमारे गांव में चला जाता है और हम इनको फ्लड वालों को बार बार बोलते हैं इधर ठोकर लगाओ, कोई कुछ करो, ये कुछ नहीं करते हैं। अभी हमने तभी प्रोटेक्ट किया है कि अगर खतरे से पहले कुछ कर दें तो ठीक है। अभी हमारे गांव में 3 गांव आते हैं इधर, कोठे हैं, पुकड़ियान है, थुब है, सांदुओं भी है, सांदुओं चलो ऊपर है थोड़ा, मगर ये 3 गांव में इतना खतरा है कि हद से ज्यादा है जी। अगर बाढ़ आती है तो चांसेस हैं? बाढ़ आती है तो जनाब ये जो देखो कि इधर ट्रैक्टर वालों ने ना पूरा ही जो डिफेंस बनाया था, इन्होंने बंड बनाया था, वो पूरा तोड़ दिया है। उधर क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब? अभी हम यही कहते हैं जनाब कि अभी बरसात के पहले पहले हमारी ठोकरें बनाए और हमारे को थोड़ा देखें, गले बंद कर दें। और क्या, हम कई बार ब्लड डिपार्टमेंट वालों के पास गए हैं, उनको कई एप्लीकेशनें दे चुके हैं। 3-4 साल से हम यही दौड़ भाग कर रहे हैं क्योंकि हमारा गांव को खतरा है। एक गांव नहीं, हमारे चार गांव साथ में और भी डूब जाएंगे क्योंकि चारों तरफ उसके ढीचा आ जाती है, उसमें पानी रुक जाएगा तो कोई भी बचने के चांसेज नहीं है हमारे। और दूसरा मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि कई बार हम डी के पास गए, कई बार हम चीफ के पास गए तो ये ही हमें आश्वासन देते हैं कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। मैं ये प्रधानमंत्री साहब और गवर्नर साहब से जो स्टेट गवर्नमेंट गए हैं इनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बजट नहीं दे रही? जहाँ की मतलब कि जे एंड के गवर्नमेंट है जो लगाना नहीं चाहती,
हमें ऐसे ही लारा दे के भेज देते हैं। अभी उन्होंने इसको बोला था हमने कि हमारे गांव वाला रास्ता है जो उधर से उन्होंने ट्रैक्टर वालों ने इसको बर्बाद कर दिया है, वो पानी सारा नदी में अगर 10 फुट पानी आएगा तो 8 फुट हमारे गांव में चला जाएगा। कितना खतरा है गांव को जनाब? बहुत ही ज्यादा खतरा है, कभी भी फ्लड आएगा तो हमारे बच्चा जो मतलब उधर बह सकता है, तो कल को बाद में पछतावा करना। जैसे कि उधर ये ब्रिज टूट गया गुजरात में तो हमारे तो 4 गांव चले जाएंगे, वो तो चलो कर उनका कोई फंक्शन था बेचारे चले गए, तो हम तो 3 साल से रो रहे हैं कि हमें बचा लो, मगर इस चीज़ के बारे में कोई क्या कहना चाहेंगे अलजी साहब को, क्या मैसेज रहेगा? मैं जनाब उनको ये मैसेज देता हूँ कि हमारा ये जल्द से जल्द जड़ जो है इस काम को शुरू किया जाए और करेट बांधे जाए। सिख पंथ के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी द्वारा 11 नवंबर 1975 को दिए गए सर्वोच्च बलिदान पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस संबंध में राष्ट्रीय सिख संगत के बैनर तले जम्मू से दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा तक सिख समाज द्वारा जम्मू कश्मीर से यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज जम्मू के चंद नगर स्थित गुरुद्वारा साहिब से हुई है और जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने इस यात्रा में शामिल सिख संगत को दिल्ली के लिए रवाना किया है, जहां 11 नवंबर को इसमें शामिल लोग शीशगंज गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी सिंह साहिब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जम्मू से जा रही है, आनंदपुर साहब जाएगी और उसके बाद 11 तारीख को जो दिल्ली में जाएगी, दिल्ली वहाँ पे गुरुद्वारा साहब शीशगंज जी वहाँ पे ये रुकेंगे और गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान हुआ था औरंगजेब ने जो किया था उनको वहाँ जाके श्रद्धांजलि देंगे। और उन्होंने कहा था मेरे को इनके चेयरमैन साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने अपील की है लोगों से कि 11 बजे उनको सभी लोग श्रद्धांजलि दें, पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखें ताकि उनकी जो शहीदी है उसको याद किया जा सके। ये बहुत ही ईश्वरीय काम कर रहे हैं, आज हमने जहाँ से गाड़ियाँ भेजी है फ्लैग ऑफ किया है, मैं इनकी शुभ यात्रा की कामना करते हुए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम आनंदपुर साहब में होंगे, कल आनंदपुर साहब से ये यात्रा दिल्ली के लिए कूच करेगी और दिल्ली में शीशगंज में गुरुद्वारे में ठहर कर 11 बजे परसों अरदास शीशगंज में गुरु तेग बहादुर की शहीदी को नमन करते हुए अरदास करेगी। उसके बाद हम यूनाइटेड नेशन से भी यहाँ मिलने की कोशिश करेंगे, उनको गुजारिश करेंगे कि ये इतनी बड़ी शहादत को मद्देनज़र रखते हुए सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया 1 मिनट के 2 मिनट के लिए 11 तारीख को अपनी खामोशी का साइलेंस रखे, यही हमारा मकसद है। इसी मकसद को लेकर हम गुरु तेग बहादुर की शहीदी को समर्पित यात्रा कश्मीर से जो कल शुरू हुई थी इसको आनंदपुर साहब और दिल्ली में जा रहे हैं, ये वापस 13 तारीख को सुबह आनंदपुर साहब में इसका ख़त्म होगी और उस दिन 13 तारीख को लोग जम्मू के लिए रवाना हो जाएंगे। लोगों में भारी उत्साह देखा। हाल ही में आरसपुरा में ओलावृष्टि से हुए धान की फसल के नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर सिलैड में किसानों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप था कि ओलावृष्टि से हुए धान की फसल के नुकसान के आकलन के लिए अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द फसल के नुकसान का जायजा लेने और इसकी भरपाई करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों ने प्रधानमंत्री किसान निधि की किश्त भी किसानों के खाते में डालने की अपील की है। यह है कि हाल ही में जो आरसपुरा एरिया के अंदर ओले पड़े हैं और हमारे इस इलाके में जो खड़ी फसल थी उसका नुकसान हुआ है, तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि आज तक जहां कोई भी मुआयना करने कोई सरकारी अमला पटवारी तहसीलदार कोई नहीं पहुंचा है। और इसके साथ साथ एक अपील हम सरकार से और करना चाहते हैं कि जो 2,000 रुपया किसानों को केंद्र सरकार देती थी अब वो काट लिया गया है और जिन किसानों को दिया था वो उनके खाते से वापस दे लिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर उन किसानों को ये मुआवजा दिया गया तो अब काटा क्यों गया है, क्योंकि उनके पास जमीन थी तभी इन्होंने दिया, अगर कोई गलत किया तो इनके डिपार्टमेंट ने किया। अगर उन किसानों को फौरन मुआवजा जो है वो दिया जाए, वो 2,000 रुपया जो किस्त है उनकी डाली जाए ताकि लोगों किसानों को थोड़ी सी राहत मिले। जय भीम जय।
डीसी पूंछ इंद्रजीत ने सुरनकोट के फजलाबाद इलाके में 3,37,00,000 रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर एसटीएम सुरनकोट नहीम उल निसा और बीडीसी चेयरमैन शफीक मीर सहित जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। हमारी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी जो स्कीम्स हैं ये सारी रेट्रोफिटिंग की स्कीम्स हैं। अब ये इसका मतलब ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको भी कोडफायर किया गया है और उनकी जो कैपेसिटी है उसको भी कोडफायर किया गया है। हमारा इसमें जल जीवन में मिशन में जो टारगेट है वो 55 जो है जो लिखा हुआ है ये टारगेट है और ये टारगेट जो है जो हम जो नया बोरवेल निकाल रहे हैं सिर्फ उससे नहीं बन रहा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी किस किस्म की भी स्कीम है, चाहे वो पानी जो है कुएं से आता है, जब वो लिफ्ट करके आता है, उनको भी कोडफायर किया गया है, उनको भी कोडफायर किया गया है। तो उनमें जहां पुरानी मशीनरी रिप्लेस करने का इशू है या कोई जो रिसोर्सेज ड्राई हो गए हैं उनको ठीक करने का जो है या अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने का इशू है, वो सारे उसमें जो है इंक्लूसिव है। तो हमारी जितनी भी स्कीम्स जो एग्जिस्टिंग हैं उनको भी फंक्शनल करना है जहां जहां उनमें कमियां हैं, चाहे उनकी जो है लेइंग और फिटिंग के इशूज हैं, मशीनरीज के इशू है, या उनके लिए फ्रेश जो है सोर्सेज डेवलप करने का इशू है। पुंछ जिले की सब डिवीजन मेजर के मनकोट सेक्टर में दुर्घटनावश चली गोली में सेना के एक जवान की जान चली गई है। वहीं सेना के राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात इस जवान की पहचान ईश्वरन आर निवासी तमिलनाडु के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक इस जवान की अपनी ही सर्विस राइफल से दुर्घटनावश गोली चल गई जिसमें कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके साथियों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मेजर अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की मौजूदगी में उसे सेना को सौंप दिया गया। देखिए नाइट को मुझे इत्तला मिली थी कि एक जवान को बुलेट इंजरी हुई है और उसकी डेथ हुई है, तो रात को डेड बॉडी जो है मार्चरी में लाई गई थी। अभी सुबह उसकी अटॉक्सी हुई है, तो जो बुलेट है वो सर में लगी हुई है, सिंगल बुलेट है, इंस्टेंट डेथ है। तो जो जवान है इज रेजिडेंट ऑफ तमिलनाडु, ही सेक्रीफाइड इज लाइफ फॉर द नेशन। तो कॉज ऑफ डेथ अटैक्सी हुई है, तो इसमें हम जिन डिटेल में जा रहे हैं कि कॉज ऑफ डेथ बुलेट कैसे लगी है। तो बाकी जो ये बॉडी है अभी फाइनल राइट्स के लिए हमने कंसर्न जो है उनको हैंड ओवर कर दी है और फर्दर जो उसका आबाई गांव है जो भी स्टेट है वहां पर फाइनल राइट्स के लिए। डोडा के वार्ड नंबर 7 अफरामाबाद में शहर की गंदगी और जीएमसी अस्पताल से निकलने वाली गंदगी को दम किए जाने पर स्थानीय लोगों ने रोष जताया है। उनका आरोप है कि यहां पर सरकार द्वारा ट्रकों का स्टैंड बनाया गया था लेकिन अब इसे डंपिंग स्टेशन में बदल लिया गया है। वो इस डंपिंग स्टेशन के विरोध में कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं लेकिन हर बार उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। वहीं म्युनिसिपल काउंसिल डोडा के प्रधान वेद प्रकाश ने बताया कि वो इस मुद्दे को डीसी डोडा के समक्ष रख चुके हैं और जल्द ही डंपिंग स्टेशन के लिए नई जगह का चिन्हित किया जाएगा। हाँ, डंप साइट पे आती है, ये ट्रक टर्मिनल है, ट्रक टर्मिनल के नाम पे यहाँ डंप साइट बना दी है, म्युनिसिपल डंप साइट, लेकिन इन रिकॉर्ड ये डंप साइट नहीं है। और बीच में कहते हैं कि नहीं हमने फर्टिलाइजर ये पॉइंट बनाया कि यहाँ फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स बनेंगे और यहाँ से सप्लाई बाहर होगी, ये कोई बाहर की कंपनी है। और उसके बाद देखते हैं आपकी उस सारी कंपनियों का जनाजा निकला और यहाँ पे आके इन्होंने सारी शहर की गंद लाते हैं। और आप देखते हैं कि वो जो म्युनिसिपलिटी की गाड़ियाँ हैं जब वो गंद लाते हैं उनमें 20-30% जो है वेस्ट जो है वो रास्तों में गिर जाता है, उसमें हॉस्पिटल का आपका बायोमेडिकल वेस्ट है। आप देख रहे हैं अभी भी हमने ये गाड़ी पकड़ी और खून निकल रहा था, ब्लड बैंक का सारा जितना भी वेस्ट है वो है, बाकी जो सिजेरियंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, नर्सिंग होम का जो भी वेस्ट है वो आप वार्ड नंबर 7 में डाल रहे। तो सरासर जुल्म और ज्यादती है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले भी इंटीमेट किया, बार बार इंटीमेट कर रहे हैं। इन्होंने 2011 में बोला था यहाँ पे कि हम यहाँ पे ट्रक अड्डा बना रहे हैं, यहाँ जब हम खेलने आते थे यहाँ छोटा सा ग्राउंड था, तो इन्होंने कहा यहाँ पे कोई नहीं खेलेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे हम ट्रक अड्डा बना रहे हैं। यहाँ काम भी शुरू हुआ, जब यहाँ पे काम शुरू हुआ तो इन्होंने काफ़ी दीवारें शिवारें दी, तो अच्छा दीवारें दी, हमने सोचा अब इसको प्लान करेंगे, यहाँ पे अड्डा बनेगा, नंबर प्लेट लगी है, सब कुछ।
तो हमें तब जाके पता लगा जब इन्होंने वो बहुत बड़ा खड्डा खोदा यहाँ पे गंदगी के लिए, पूरी सिटी की गंदगी इन्होंने लाई यहाँ पे जमा कर दी। हमने काफी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, चका जाम किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो भी डीसी आया तो उन्होंने आगे तहसीलदार साहब को भेजा, जाओ जी उधर देखो वहाँ चका जाम लगाया, उनको लाओ इधर, देखते बात करेंगे उनके साथ। जब भी हम तहसीलदार साहब के पास बात करने के लिए गए, वहाँ खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर सबसे पहले होता है अपनी फाइल लेके, देखो जी ये खाद फैक्ट्री है। भाई अगर खाद फैक्ट्री है तू तो कागजों में इसको खाद फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन यहाँ आपने देखा, खुद देखा कि जितनी भी सिटी की गंध है, मैं कहता हूँ कि शायद ये फुलडोड़ा से भी लाते होंगे यहीं, कहाँ कहाँ से आती है, दिन भर 10-15 गाड़ियां आती है यहाँ पे गंदगी जमा करते हैं। अच्छा, कोरोना की सबसे बड़ी बीमारी आई तो इन्होंने उस बार भी उस टाइम भी नहीं देखा, आए थोड़ा बहुत बोलता हमने जी इसको सैनिटाइज किया, वो किया, ये किया, हमने उसमें भी प्रोटेस्ट किया, लॉकडाउन में भी किया। तो उसके बाद आप देखो जी, हॉस्पिटल की जितनी भी गंद निकलती है इसके टंडर होते हैं। अब हॉस्पिटल का इस गंदगी का खड़पेंच कौन है उसका तो हमें कोई पता नहीं है। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि उसको पकड़े, उससे पूछे, उसको और कोई जगह नहीं मिलती। अगर बाजार का कचरा था यहाँ पे जमा, बाजार का ही कचरा लाते, अब ये हॉस्पिटल का कचरा भी यहाँ पे लाते हैं और यहीं पे जमा कर देते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी 2-3 बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, अग उन्होंने उस वक्त माना था कि हम आप इनको थोड़े दिनों के लिए यहाँ ये सामान डालने दो, क्योंकि यहाँ और कहीं भी जगह नहीं है। जो हमारा वो सॉल्ट वेस्ट है वो भी जब वो बना था तब तो वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, अब वहाँ बस्ती है, हमें भी एहसास है इस चीज़ का कि लोग वहाँ सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमने डीसी साहब से बात की है, डीसी साहब ने कहा कि आपको और कहीं अल्टरनेट जगह देखी जाए दिखा देंगे। लेकिन अगर आज इन्होंने, जैसे आप बोल रहे हो कि इन्होंने वहाँ जितना भी हॉस्पिटल का गंद है जो भी है वहाँ डाल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इनकी कमिटमेंट थी कि सर्जिकल जो गंद आता है वो हम किसी कोई एनजीओ है वो सांबा का वो ले जाता है और बाकी जितना भी गंद है वो आप उठा लिया करो। अगर ऐसा इन्होंने गलती से डाला भी होगा या ऐसा किया होगा तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और स्टूडेंट से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।